गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। आज मैं आपको रीड करवाऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने अपनी पेयर नोटबुक में राइट कर लिए हैं, आज मैं इन्हें आपको रीड करवाऊंगी एंड साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी। लेसन नंबर 4, द वेस्टर्न डेजर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम रीड करने जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड। कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट की भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट आर डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म होता क्या है? व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दिस सैंड ड्यून्स टेंड टू शिफ्ट दिस स्टॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म। कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो जब जो रेत के टीले या फिर रेत के जो छोटे छोटे पहाड़ बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहकर के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इन्हीं को डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाट आर ओसिस। ओसिस होता क्या है? ओसिस आर द प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस। ओसिस वो जगह है जहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी होता है वो ज़मीन के ऊपर आता है, उसे ओसिस कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाई इज देयर शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि यहाँ पर पानी की शॉर्टेज क्यों है? देर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट एज रेनफॉल इज़ वेरी लिटल। यहाँ पर इसीलिए पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में, यानी कि मौसम के बारे में बताना है। द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। कि रेगिस्तान का जो क्या है, क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो पूरे साल ही कैसे रहता है? हॉट एंड ड्राई, बिल्कुल गर्म और सूखा रहता है। रेनफॉल इज स्कैंटी विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि वहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए वहाँ पानी की कमी महसूस की जाती है, यानी कि पानी की कमी वहाँ ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट रीजन। हाउ डज द क्लाइमेट अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन। कि हमें वहाँ के खनिज के बारे में बताना है स्टूडेंट्स, कि क्या कि वहाँ पर कितने वनस्पति हैं और कैसे हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन। कि यहाँ पर मुश्किल से ही कोई वनस्पति है। ओनली थ्रोनी बुशेज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस एंड कीकर ग्रो हेयर। कहते हैं कि वहाँ पर वनस्पति की, यानी कि जो हमारे फूड आइटम्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम उगती हैं। उसके अलावा जो कंटीले कैक्टस और कीकर होते हैं वो ज़्यादा वहाँ दिखाई देते हैं। डेट प्लांट्स आर ग्रोन नियर द ओसिस एज द सॉयल हेयर इज़ क्वाइट फर्टाइल। कि क्या कहते हैं कि वहाँ पर खंजूर की जो खेती है वो की जाती है, क्योंकि और वह कहाँ पर की जाती है? ओसिस के पास में की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ओसिस के आसपास की जो ज़मीन होती है वो कुछ हद तक उपजाऊ होती है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ हैज़ द इंदिरा गांधी कैनल चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट। कि जो इंदिरा गांधी कैनल है उसने रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसे चेंज की है? इंदिरा गांधी कैनल ऑल्सो नोन एज द राजस्थान कैनल। कि इंदिरा गांधी कैनल को और क्या कहा जाता है? राजस्थान कैनल भी कहा जाता है। हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड हैज़ ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन। इसने सभी लोगों की, डेजर्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ जो है वो चेंज कर दी है, और है यानी कि जो सूखा था, हॉट था, उसमें थोड़ी सी हरियाली आ गई है, जिसके कारण जो लोग हैं वहाँ पर अपनी लाइफ थोड़ी सी आसानी से
बिता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हरियाली है तो क्या हो जाएगा, उनको फसलें जो है उगाने के लिए जगह मिल जाती है, तो वहाँ पर फसलें उगा जाते हैं और उनकी इनकम का भी सोर्स बन जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाई आर कैमल्स इम्पोर्टेंट इन द डेजर्ट रीजन, कि जो ऊँट है वो डेजर्ट में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है इसका बिकॉज दे स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय तक पानी के बिना और भोजन के बिना रह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो आज हमने रीड कर लिए हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने पेयर नोटबुक में राइट करने हैं एंड साथ साथ में लर्न भी करने हैं। थैंक यू।